हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपके खिदमत में एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु में स्थित श्री जम्बूकेश्वर मंदिर के बारे में। दोस्तों, ये यही मंदिर है कि जहाँ भगवान शिव जी की पूजा श्री भूतनाथ के रूप में होती है और यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये मंदिर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली यानी कि त्रिचिनापल्ली, जिसको शॉर्ट में कहते हैं त्रिची, में स्थित है और यहाँ के शिवलिंग को अप्पुलिंगम भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे मान्यता है कि माता पार्वती जी ने यहाँ देवी अकिलेंदेश्वरी के रूप में भगवान शिव जी की पूजा एवं आराधना की थी। कावेरी नदी के जल से शिवलिंग का निर्माण किया था और इसलिए यहाँ के शिवलिंग को अप्पुलिंगम भी कहा जाता है और जिसकी स्थापना माता पार्वती जी ने जम्बू के पेड़ के नीचे की थी और इसलिए इस मंदिर को जम्बूकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है या भी इस मंदिर को जम्बूकेश्वर कोविल भी कहा जाता है। दोस्तों, शिवलिंगों के आधार पर ये वर्तमान मंदिर की स्थापना तकरीबन 800 साल पहले पांडियन राजा पोंके गैनन ने करवाया था। इस मंदिर में 5 बड़े कॉरिडोर है और यहाँ 1000 स्तंभों वाला एक हॉल भी है और इन स्तंभों में 12 राशियों को उकेरा गया है। दोस्तों, इस मंदिर में पुजारी दोपहर की पूजा के दौरान स्त्री के वस्त्र धारण करके भगवान श्री भूतनाथ यानी कि भगवान श्री शंकर जी की यानी कि भगवान श्री जम्बूकेश्वर जी की आराधना एवं पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, पूजा के दौरान इस मंदिर में कारम पासु प्रजाति की काली गाय को लाया जाता है भगवान के समक्ष। दोस्तों, इस मंदिर में माता पार्वती जी एवं भगवान शिव जी को गुरु शिष्य के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के मेरे वीडियो? आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू।